हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। आगे बढ़ते हैं बेटा। आपा तो कल आपा ने एक्सरसाइज 10.4 के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 और 5, 6 आपको करने के लिए दिया था। 6 बेटा किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, इसलिए 6 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद आपा इसके एग्जांपल की तरफ आएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी है बेटा, जिसके अंदर एक ऐसा पार्क है जिसकी जो रेडियस है वो 20 मीटर है, 20 मीटर है। थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। तीन लड़के हैं बेटा, अंकुर, सैयद और डेविड। तीनों क्या है, इसके जो बाउंड्री है उसके ऊपर बैठे हैं और तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे और तीनों के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है, जिससे बेटा आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो इनके पास जो धागा है, क्योंकि धागे उसके बंधे होते हैं टेलीफोन जो उनके पास है खिलौना, तो उसकी हमें लेंथ निकाल के लानी है। इसने इतना तो बता दिया कि वो इक्वल है, पर ये नहीं बताया कि वो है कितनी, तो वो आपको निकाल के लानी है। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ, ताकि आपको कुछ जो इसकी सिचुएशन है वो समझ आए। तो ये लो बेटा, ये एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है। तो तीन लड़के हैं, अंकुर यहाँ बैठा है मान लो, सैयद यहाँ बैठा है और एक तीसरा है डेविड, वो यहाँ बैठा है। ओके बेटा, तो तीनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है, इसने गिवन है। तो आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा, कि जो ए एस है वो इक्वल है एस बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। ये इसका सेंटर मान लेता हूं और इसकी जो रेडियस है वो भी 20 आपको गिवन है। जो इसकी रेडियस है 20 मीटर वो भी गिवन है। तो ये इसकी रेडियस को इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं बेटा, रेडियस तो इस पोर्शन से, ये और ये आपस में इक्वल होगी। तो ये 20, ये 20, ये 20, सेंटर ओ नाम दे देता हूँ। ओके बेटा, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, सेंटर से ना बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जैसे सेंटर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये बेटा सारा काम स्केल से करना, हाथ से करोगे तो सही साफ नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके बेटा, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ओके बेटा, ओके, तो परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर लेते। तो आपको अच्छे से पता है जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इस कोण को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देता है, मतलब ये और ये पार्ट इक्वल होगा, ये और ये पार्ट इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। तो अपन इसको इनके नाम दे देते हैं, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, अपन दे देते हैं। तो आप देखिए, तो ये एस डी है वो इक्वल है और ये इसका हाफ है, तो मैं अपन लेट कर लेते हैं। लेट जो एस डी, ए एस और ए डी है वो 2x है। ओके बेटा, और इसने क्या कि इसको हाफ कर दिया, तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी तो 2x हो गया, क्योंकि तीनों एक बराबर है, ये भी x और x, ये भी x और x। ओके बेटा, तो ये काफी सारी चीजें आपने कंस्ट्रक्शन की है, समझी है, सोची है, उम्मीद करूंगा आपको समझ भी आई होगी। ओके बेटा, अब आप ऐसा करो, ट्रायंगल ओबीडी में पाइथागोरस यूज कर लो। मेन टारगेट हमारा एक्स निकालना है, एक्स निकल गया तो सारा कुछ निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ओपीडी यूजिंग पाइथागोरस, ठीक बेटा, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो ओडी स्क्वायर, बेस है आपका पीडी स्क्वायर और हाइट है आपका OP स्क्वायर। तो OD आपका 20 का स्क्वायर हो गया, PD आपका X का स्क्वायर हो गया, OP स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। ओके बेटा, तो ये 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 400 प्लस का X स्क्वायर इधर आके माइनस का X स्क्वायर इधर OP का स्क्वायर, तो बोथ साइड रूट कर दिया बेटा, ये इससे कट हो गया, तो OP इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये हमने निकाल दिया। अब ओपी निकलने से हमारा एक्स तो नहीं निकला, पर निकलने में कुछ हेल्प हो जाएगी। अब आप ट्रायंगल एपीडी में आओ, इन ट्रायंगल एपीडी यूजिंग पाइथागोरस, यहां भी आप पाइथागोरस यूज करो,
ठीक है बेटा, तो यहाँ 90 का एंगल यहाँ भी तो बन रहा है, तो ये हाइपोटेनियस है वो ए डी स्क्वायर हो गया, बेस है वो बी डी स्क्वायर हो गया, और हाइट है वो ए पी स्क्वायर हो गया, तो ए। ओके बेटा, अपन ट्रायंगल एपीडी में पाइथागोरस यूज करते हैं, तो ए डी इसका हाइपोटेनियस हो गया, तो ए डी की वैल्यू 2x का स्क्वायर हो गया बेटा, पी डी आपका x का स्क्वायर हो गया, ए पी जो है ए पी 20 ये हो गया, ओ पी ये रहा अपन ए भी निकाला है, तो ये हो गया 20 प्लस √400 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके बेटा, इसको इधर ले आते हैं ताकि इसका स्क्वायर ढंग से खोल सके अपन, तो 2 का स्क्वायर 4x² माइनस x² इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन रहा बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा बेटा रूट कट हो जाएगा, प्लस 2a 20 हो गया और b √400 माइनस x² हो गया। ओके बेटा, तो ये 4x² में से x² गया बेटा 3x², 20 का स्क्वायर 400 हो गया, प्लस 400 माइनस x² प्लस 40 इंटू √400 माइनस x². ओके बेटा, तो ये रूट वाला इधर रख लो, बाकी सब इधर आने दो, तो ये 3x² माइनस का x² इधर आके प्लस का, 400 400 800 प्लस का 800 इधर आके माइनस का, बराबर 40 इंटू √400 माइनस x², तो ये 4x² हो गया बेटा माइनस 800 और 40, 400 माइनस x², तो 4 4 कॉमन आ रहा है बेटा, तो x² बचा, यहाँ 4 कॉमन लूंगा तो 200 बचेगा, बराबर 40 √400 माइनस x², तो ये 4 से ये 40 10 पे कट गया बेटा। अब रूट काटने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर, तो इधर हो गया बेटा x² माइनस 20 का तो होल स्क्वायर हो गया, और इधर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और इसका स्क्वायर करूंगा रूट कट हो जाएगा। ओके बेटा, तो इसका स्क्वायर फिर खोलना पड़ेगा आपको, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर x की 4 हो गया बेटा, प्लस b स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, माइनस 2ax² है और b आपका 20 है, बराबर 100 की 400 से गुना करेंगे 4 0 हो गया बेटा, और ये -100x² हो गया। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, एक्स की 4 प्लस 400 माइनस 40x² इधर ले आओ, माइनस का 40,000 प्लस का 100x² बराबर 0, तो एक्स की 4 पड़ा है बेटा, और 100x² में से 40x² गया 60x² बेटा, और ये आपका प्लस का 400 है माइनस का 40,000 है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, कोई गलती ना हो गई ये चेक कर लो बेटा, 4 कॉमन लेंगे 200 ही बचेगा, इधर 40 ही था ना, 2ab, ठीक है बेटा ये तो सही है आपका, और इधर मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 400 400 800, क्योंकि आगे फैक्टर बनाने मुश्किल हो रहे हैं तो कहीं गलती ना होगी, इसको चेक कर रहा हूँ मैं, माइनस x² 400 400 800 प्लस का 800 इधर आके माइनस का, ये ठीक है यहाँ तक, तो 3x² 4x² माइनस 800 ये यहाँ तक ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है यहाँ x² माइनस 200 बचेगा यहाँ 40, ये भी ठीक है, 4 काटने के बाद 10 बचा, ये भी देखो ये गलती हो गई, तभी मेरे को लग गया था यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ 200 बेटा, ठीक है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 200 का स्क्वायर 40,000 हो जाएगा बेटा, ठीक है, 2 0 और लगा दो, तो ये 40,000, ठीक है बेटा, ये माइनस का ये प्लस का, अब देखो हो जाएगा सब, तो ये एक्स की 4, 100x² में से 40x² या 60x² बेटा बराबर 0, ठीक है, ये भी ध्यान से देख लो, कोई गलती और ना हो गई हो, यहाँ भी गलती हुई है क्योंकि यहाँ 200 है, ठीक है बेटा, तो ये 200 तो नहीं 400x² आ जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा बेटा माइनस का 300x² बराबर 0, तो यहाँ x² कॉमन आया तो x² माइनस 300 बचेगा बराबर 0, तो एक तो x² 0 आ रहा है, एक x² माइनस 300 आ रहा है, तो x² 0 आया तो x की वैल्यू 0 आएगी, वो तो हो नहीं सकता,
एक्स जीरो थोड़ी है यहाँ पे, एक्स तो कोई ना कोई साइड है, ये होगा तो माइनस का 300 इधर आके प्लस का, तो बोथ साइड रूट किया क्योंकि हमें तो एक्स निकालना है, तो 300 को बेटा 100 गुणा 3 लिख सकता हूँ बेटा, तो 100 का रूट है वो 10√3 हो गया। तो हमें तो साइड निकालनी है बेटा, साइड जैसे अपा एस बी निकाल रहे हैं, चाहे अपा ए डी निकाल रहे हैं, चाहे अपा ए एस निकाल रहे हैं, वो 2x है, तो 2x की वैल्यू 10√3 बेटा, तो क्या आंसर आ जाएगा 20√3। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, बीच में कुछ गलती हो गई थी बेटा तो उसको अपन ने सही किया है, तो आप भी इस गलती का ध्यान रखो बेटा, कई बार हो जाती है गलती, तो वो जैसे ही मेरे को लगा था यहाँ फैक्टर नहीं बन रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो, और गलती क्या थी, 200 को गलती से 20 लिख गए थे, जिस कारण हमारा ये नुकसान हो गया था। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको भी ये चीज समझ आई होगी। तो ये सवाल नंबर 6 बेटा, जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी, सॉरी पिछली एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज 10.4 थी, उसका 6ठा क्वेश्चन है बेटा। अब आगे अपन इसके बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि हमारा टारगेट होता है कि पहले हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल करते हैं। ओके बेटा, तो देखता हूँ इसमें एग्जाम्पल कितने हैं, सामने ही दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि पीछे तो 1 किया था, तो एक ही एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहली बात तो इसकी स्टेटमेंट हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए, स्टेटमेंट अच्छे से समझ आएगी तो ही हम बढ़िया तरीके से कोई भी चीज को कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोर्ड ऑफ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसा कि इसने बताया कि दो कोर्ड है बेटा जो कि आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, अब इंटरसेक्ट हो रही है तो क्या है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ना एक डायमीटर जा रहा है, तो वो उस डायमीटर के ऊपर इक्वल एंगल बना रही है, तो प्रूव करके दिखाओ कि वो कोर्ड्स होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो देखो मैं कैसे इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, तो ये एक सर्कल है बेटा, ये कोई दो कोर्ड मान लेता हूं ए बी और सी डी, ये बेटा यहाँ सेंटर है, तो डायमीटर तो आपको पता है हमेशा सेंटर से ही पास होके जाता है, तो ये आपका डायमीटर हो गया। तो ये देखो जो डायमीटर है वो इस कोर्ड और इस कोर्ड के ऊपर देखो, एक ये एंगल बना रहे, एक ये एंगल बना रहे, ये इक्वल है आपस में, ये इसने हमें गिवन कर दिया। ओके बेटा, तो मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाने के लिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक बेटा, यहाँ एम नाम हो गया, एन नाम हो गया, ओ हो गया, और दोनों के हैं परपेंडिकुलर है, ठीक बेटा। तो गिवन क्या है आपको कि एंगल जो इसका नाम क्या दोगे, पी दोगे, जो एम पी ओ है वो इक्वल है एन पी ओ, एक तो ये गिवन है। शो क्या करके दिखाना है आपको, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, ये शो करके दिखाना है। ओके बेटा, अब जैसा कि आपको पता है कि ये कोड है ए बी और ये हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लिया है, तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो मैं आपको बताता हूं, आपने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है पहले उसको लिखो, कंस्ट्रक्शन ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये। ओके बेटा, तो ओ है वो सेंटर है आपको पता है, ओ एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, अगर आपने इन परपेंडिकुलर की लेंथ अगर इक्वल शो कर दी तो ये और ये कोड इक्वल होगी, जो सेंटर के बेटा आपने एक पीछे यूज किया था, जैसे ये सेंटर है, ये दो कोड है, अगर ये सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा, ये इसके ऊपर खींचा, अगर ये परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब कोड भी आपस में इक्वल होंगी, या कोड आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, इस तरह अपन किया था। और इस क्वेश्चन के ऊपर ही एक थ्योरम दे रखी है बेटा, अपन उसको जब करेंगे तब ये चीज समझ आएगी, पर उसको पहले समझ लेते हैं। देखो, कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो ये एक थ्योरम है 10.7, इसमें ये बोला है कि जो कोर्ड्स है वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, कि अगर कोर्ड्स सेंटर से इक्विडिस्टेंस होती है तो उनकी लेंथ है वो आपस में इक्वल होती है, ये थ्योरम जब करेंगे तब ये हम समझेंगे, पर फिलहाल हमें जो करना है मैंने उसको बता दिया है आपको, कि अगर
ये सेंटर है, ये इनसे डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपने इक्वल कर दिया तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगी और यही हमें शो करके दिखाना है। ओके बेटा, तो इसको इक्वल करने के एक ही तरीका है बेटा, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दो, और ये कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव होगी तो ये इसके इक्वल अपने आप हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करने के लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये 90 और ये 90 है, पर इस एंगल और इस एंगल के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं इस एंगल में आता हूँ पहले, या इस ट्रायंगल में आता हूँ, तो इन ट्रायंगल MOP में आता हूँ, तो आप बताओ बेटा तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। तो एंगल जो इसका नाम दोगे वो MP, इसका नाम दोगे MPO और इसका नाम MOP इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो M वाला तो 90 है ही, और ये हमें कुछ ज्यादा नहीं पता, तो MPO ठीक है बेटा, और इसके बारे में भी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप ऐसा करो O वाला एंगल निकाल दो, ये तो इन दोनों को इधर भेज देता हूँ, तो MO जो P है वो 180 माइनस 90 माइनस MPO के इक्वल है, तो MOP बराबर 90 माइनस MPO। ओके बेटा, तो ये आ गया है। अब आप बताओ MP जो O है वो इक्वल है NPO के भी, ये भी तो इक्वल है, तो आप को पता है कि जो एंगल MP हो है, O है वो इक्वल है NPO, तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो जो ठीक है बेटा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो अपन इस तरह करेंगे तो फिर इसमें नहीं आ पाएंगे, तो एक बार आप इतना निकाल लो। ओके बेटा, इस तरह जो बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दो, भी ये जो एंगल है वो तो हमारा इतना निकला है। अब आप ऐसा करो ट्रेंगल इसमें आओ, इन ट्रेंगल NOP, तो यहां भी तीनों एंगल का सम 180 होगा बेटा, तो एक तो एंगल ये हो गया MPO, N है सॉरी NPO, और इसको लिखेंगे PNO और इसको लिखेंगे PON इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो P वाला एंगल है उसको पढ़ा रहे हैं दो NPO, PNO 90 है बेटा, और ये तो निकालना ही है 180, तो आप ऐसा करो इन दोनों की तरफ भेज दो, जो एंगल PON है वो निकाल लो, 180 माइनस 90 माइनस NPO, तो ये PON बराबर 90 माइनस एंगल NPO। ओके बेटा, तो NPO अभी अपन लिखा था कि जो NPO है वो MPO के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं MPO लिख सकता हूँ बेटा, अब आपको समझ आएगा NPO की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ MPO, तो एंगल जो PON है वो 90 माइनस MPO लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से आप क्या कह सकते हैं कि ये MOP जो एंगल है वो इक्वल है किसके बेटा, PON के, ठीक है बेटा। अब आप देखो इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल पे आओ, इन ट्रेंगल MOP एंड ट्रेंगल PON में आएगा। ओके, तो दोनों में आप क्या करेंगे, तो एक ये एंगल और ये एंगल तो गिवन ही है हमें कि जो एंगल MPO है वो इक्वल है MPO इक्वल है NPO के, ये तो गिवन है ठीक है बेटा, ये एंगल और ये एंगल 90 है तो वैसे इक्वल हो गया, एंगल M और एंगल N जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं बेटा। और रही बात ये, और ये अपन अभी प्रूव करके दिखाया है, जो एंगल MOP है वो इक्वल है PON, प्रूव ये अपन अभी प्रूव की है बात, तो अकॉर्डिंग टू बेटा तीनों ही एंगल है ए ए ए, तो ट्रेंगल आपकी MOP कॉन्ग्रेंट्स होंगी PON, और अगर ये कॉन्ग्रेंट्स है बेटा तो बताओ MO क्या इक्वल होगा PO की, CP CST बेटा, CP CT होगा बेटा, तो अगर ये इसके बराबर है तो ये आप क्या लिख दोगे कि ये जो
क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू कोर्ड्स, देन दीज कोर्ड आर इक्वल, या सीधी आप ये जो थ्योरम है ये आप लिख सकते हो, कोर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कोर्ड्स है बेटा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक बेटा, ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ओके बेटा। तो ये लो, ये हमें प्रूव करके दिखानी थी, तो इस हिसाब से जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगा सी डी, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, ओके बेटा। बाकी अब जब हम थ्योरम करेंगे तो इस थ्योरम के बारे में भी जानेंगे, तो आपको पता है कि थ्योरम करने का हमारा क्या क्राइटेरिया होता है, पहले हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर एग्जाम्पल करते हैं, फिर थ्योरम करते हैं, ओके बेटा। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर टू को कर लिया है, तो ये एग्जाम्पल एक ही है इस एक्सरसाइज में, आगे बढ़ते हैं बेटा जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10.5 उसकी ओर। एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर वन, इसको करने से पहले हमें इसमें एक बात पढ़ने वाली थी ताकि जिसका यूज करेंगे अपन, ये रहा थ्योरम नंबर 10.1 को कर तो नहीं रहे, एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ए सर्कल। जैसे कि पहला फिगर मैं बना के आपको समझाता हूँ तब जाके क्लियर होगा, जैसे एक सर्कल है ओ पी क्यू, इसने ये कहा इस थ्योरम के अंदर कि कोई सर्कल का जो सेंटर है उससे बनाई गई आर्क, जैसे ये सेंटर है इससे यहां से लेके अपन यहां तक ये आर्क बना दे, यहां से लेके ये, मतलब ये जो आर्क इस सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाई गई ना बेटा, वो एंगल डबल होगा इन दोनों पॉइंटों से इस सर्कल के ऊपर, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं यही पॉइंट लो आप ए, आपसे यहां पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट अगर लोगे तो इसके ऊपर भी सेम बात होगी। तो इस कहने का इसका मतलब है कि ये जो आर्क है ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो एंगल डबल होगा कहीं और बनाए गए किसी भी पॉइंट पे इस सर्कल के ऊपर बनाए गए इन्हीं को ज्वाइन करने से। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, जैसे मान लेते हैं सेंटर है, ये आर्क यहां से लेके आपने ऐसे खींच दी, यहां पर कार रखा और यहां से लेके यहां तक कोई आर्क खींच दिया आपने, खींच दी बेटा, तो इसका अगर आप एंगल निकाल लें तो इसको इससे ज्वाइन करेंगे मिलाएंगे तभी एंगल आएगा, ये जो एंगल है इन पॉइंटों को आप कहीं भी ज्वाइन कर दो बेटा, कहीं भी जहां ज्वाइन होता नजर है जैसे यहां, ओके बेटा, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल से डबल होगा ये इसने कह रखा है। बाकी थ्योरम करेंगे तो अपन स्कोर क्लियर करेंगे, तो इसका यूज करना था पहले क्वेश्चन में तब ये बताना आपको जरूरी था, अदरवाइज मैं ना बताता था आपको पहला क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो इसलिए ध्यान से देखो बेटा। तो इसका फिगर हमें दे रखा है पहले क्वेश्चन में, देखो बनाओ उसको, ये आपको फिगर दे रखा है। अब स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, इन फिगर दिस ए बी सी आर थ्री पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी इज 30 एंड ए ओ बी 60, ठीक है बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी सी तीन पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ओ इसका सेंटर है और बी ओ सी 30 डिग्री है, ए ओ बी 60 डिग्री है, डी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, तो डी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी सी आर्क पे नहीं है और कहीं भी आप ले सकते हो, तो फाइंड ए डी सी, तो आपको ए डी सी को फाइंड करना है बेटा, तो ए डी सी इसको आपको फाइंड करना है, तो आपको जो गिवन है
वो है एंगल AOB 60 डिग्री, एंगल जो BOC है वो 30 डिग्री, और जो फाइंड करना है वो एंगल ADC है। तो अभी आपने क्या किया था कि ये जो आर्क है जो इस सेंटर पे एंगल बनाएगी वो एंगल डबल होगा, मतलब ये जो एंगल होगा उसका ये आधा होगा। ओके बेटा, ये डबल है तो ये हाफ हो गया ना उसका। ओके बेटा, तो आप एंगल AOC निकालो। तो एंगल AOC जो है वो AOB प्लस BOC होगा। तो एंगल AOC ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, वो 90 डिग्री हो गया। तो आप लिख दोगे जो AOC है बेटा वो क्या है, डबल ऑफ एंगल ADC है बेटा। ठीक है, तो ADC तो हमें निकालना है, तो AOC की जगह 90 डिग्री इंटू टू ऑफ एंगल ADC, तो ये टू इसके डिवाइड में आ गया बेटा, तो एंगल ADC बचा। तो जो एंगल ADC है वो क्या आ गया, 45 डिग्री। ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन। तो आपको यही वर्क करना है, राइट करने के लिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। अब साथ साथ आपको रिवीजन भी स्टार्ट कर देता हूँ बेटा, काफी दिन हो गया हमने रिवीजन नहीं किया। तो चैप्टर नंबर 13 की रिवीजन आप स्टार्ट करते हैं, या 12 की कर लेते हैं पहले। तो चैप्टर नंबर 12 की रिवीजन आप आज से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है, उसमें 6 क्वेश्चन है बेटा। तो आज आपको रिवीजन में 2 क्वेश्चन ही करने हैं। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर 1 और 2 रिवाइज करने हैं, और जो राइट करने हैं वो आपको पता चल ही गया है। एक तो क्वेश्चन नंबर वो 6 था, पता नहीं 5 था, 6 था बेटा, जो करवाया था सैयद अंकुर और जो 3 दोस्त थे टेलीफोन से बात कर रहे थे, तो वो क्वेश्चन बेटा 6 था शायद 10.4 का। फिर इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 था, और एक इसका ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.5 का। तो ये 3 क्वेश्चन फिर कॉपी में राइट करने हैं, और वो 2 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 12.1 का पहला और दूसरा है वो रिवाइज करने हैं। ओके बेटा, तो उसको कर लेना। थैंक यू।